ఇదిగో నెంబర్ 85. यस मैं इसको शुरू से मैं बताऊं, पेज नंबर 19 में इन्होंने जो दिव्यांग है उनकी अलग अलग कैटेगरी कर दी. माइलोड दिव्यांगों को इन्होंने चार कैटेगरी में बांट दिया. माइलोड तो ये कैटेगरी इनकी मनमानी है. माइलोड दिव्यांग दिव्यांग होता है. माइलोड ऐसा नहीं है, आप ध्यान से पढ़िएगा उसका क्या होता है. देखिए एक क्लरिकल वर्क है, उस क्लरिकल वर्क में एक पर्टिकुलर प्रकृति की दिव्यांगता के बावजूद मनुष्य कार्य कर सकता है ना. उसके पैर खराब हैं, यही टाइपिंग कर सकता है तो उसके लिए वो सूटेबल हो सकता है, लेकिन वो फायर ब्रिगेड का एम्प्लॉय नहीं हो सकता. तो ऐसा नहीं है कि दिव्यांगता को बांटना कोई मनमाना है. नहीं, हमारी चित्रकला के संबंध में हम बात कर रहे हैं. उसकी बात करिए जी. आप बांटने को अनुचित कह रहे हैं. केवल हम चित्रकला के संबंध में बात कर रहे हैं. चित्रकला में इन्होंने जो हमारा है इंटेलेक्चुअल वाला वो अलग कर दिया और हियरिंग वाले को दे दिया और बाकी को दे दिया. माइलोड तो हम उस कैटेगरी में, ये यदि एक कैटेगरी रख देते तो हम उसमें एंटाइटल. और माइलोड हमारा जो कहना है, हमारा 12th में माइलोड फर्स्ट डिवीजन है. माइलोड हम हर जगह फर्स्ट मेरिटोरियस मार्क्स. दैट इज ट्रू, बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ देन द एम्प्लॉयर इज ऑलवेज the best judge to decide the suitability of a. We'll keep this question open, permit her to participate in the examination provisionally. Even otherwise they can participate in the, they could have participated but they would not have got the benefit of that reservation. They can still participate as an open category. They can participate, they can participate as an open category. They can always, they could always have filled but they chose not to fill the form. एग्जाम जो होना है वो ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर पे होना है. नहीं, पर इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? जो इनका कहना है कि आप, कोई आपको प्रतिबंध नहीं है इस पर पार्टिसिपेट करने का, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको, ये क्या? नहीं नहीं माइलॉर्ड, वो रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम उस कैटेगरी में है माइलॉर्ड, इसलिए. और एग्जाम होगा, एग्जाम में यदि हम पास हो जाएंगे तो आगे कुछ होगा. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जी माइलॉर्ड और इसमें इसमें जो रूल्स हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि एक कमेटी बनेगी. कमेटी में कौन कौन होगा वो 2016 के रूल्स है माइलॉर्ड. इन्होंने अपने रिप्लाई में कहीं पर भी वो कमेटी के संबंध में कुछ नहीं है. कमेटी के संबंध में ये चुप है माइलॉर्ड. रिप्लाई में कमेटी की बात करी हमने. वो एक कमेटी इम्तिहान कब है? 27 तारीख को माइलॉर्ड. और किस नेचर का इम्तिहान है वो? पात्रता परीक्षा है माइलॉर्ड. ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो एलिजिबिलिटी और जी माइलॉर्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट. चतुर्वेदी, व्हेन वी इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट काउंसिल, सॉरी माइलॉर्ड, एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम गवर्नमेंट ओनली. सॉरी माइलॉर्ड. Yes. It is an eligibility test. Thereafter, after qualifying this, if they qualify the eligibility test, then they'll be required to undertake the selection test conducted by the department. So there are two stages. Provisionally, we'll keep this matter for final hearing in the second week, so that before examination, her candidature, this question itself can be decided. In fact, Your Lordship, insofar as provisionally we may will permit her to appear, but the disability reservation that will remain open and don't declare the result. Because otherwise in the form they have to click that. Do one thing. We'll post a date. Bring her result in a sealed cover. If in the eligibility itself she is not cleared, there is no question of adjudication. Like Shri Manoj Chaturvedi for the petitioner, MS Janvi Pandit, additional AG for the state, Learned Council for petitioner, pressed interim relief by contending. Hai, interim prayer hai aapki? Ji, my lord, hai, my lord. By contending that the petitioner may be provisionally permitted to participate in the eligibility examination. Ji, my lord. State eligibility test. In the eligibility test going to be held on 27th August 23. The matter may also be heard at an early date so that the question of entitlement of petitioner may be decided before actual examination takes place. Next, may in support of said submission, he placed reliance on the statement of marks, bracket mein page 63, and urged
that petitioner secured 83.47% marks in visual arts, in subjects relating to visual arts, and in that situation, in that event, the offending portion of Schedule 2, regular 2, and Roman 2, Schedule 2 of the rules, annexure P3, are liable to be interfered with to the extent it deprives the petitioner to participate in the capacity of a inverted commas with disabled person. Dot MS such and such opposed the prayer. Dot considering the fact that examination is scheduled on 27th of this month, we deem it proper to direct that petitioner be provisionally permitted to appear in the said examination. Dot however, her result be not declared. Her result be kept in the sealed cover and produced for the perusal of this court on the next date of hearing. That this provisional order will not create any right or equity in favor of the petitioner. That learned additional AG is requested to communicate this order to the respondent 1, 2, 3 forthwith. Next me, IA number. Ye deletion ke IA kaun si aapki? IA number 1288923 is allowed. वो जाना डिलीट करने वाला जहाँ पर है ना उसी में लिख दीजिए। इसको पहले टाइप कर दीजिए।